सत्य में हनुमान जी तो इस युद्ध कला में अत्यंत ही पारंगत। आप मुझे देखिए और फिर सीखिए। अद्भुत हनुमान जी, अद्भुत। अब आप प्रयास कीजिए। कीजिए 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 प्रयास शत्रुघ्न भैया। हनुमान जी, मैं ये नहीं सीख सकूंगा। शत्रुघ्न भैया, राम नाम की शक्ति तो सब कुछ संभव बना देती है। राम 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 राम। शत्रुघ्न भैया, आप मेरे उदर पर प्रहार कीजिए। हनुमान जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपके उदर पर प्रहार नहीं कर सकता। शत्रुघ्न भैया, ये तो आपके प्रशिक्षण का भाग है। अपनी संपूर्ण शक्ति से मेरे उदर पर प्रहार कीजिए। देखा आपने, उचित मांसपेशियों की उचित शक्ति से हम कोमल उदर को भी कठोर बनाकर अपनी रक्षा कर सकते हैं। मल्ल युद्ध और कुछ नहीं, सही मांसपेशियों से उचित प्रभाव उत्पन्न करना ही मल्ल युद्ध है। आपको मैं दिखाता हूं। आप सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। अब आप धरती माता को प्रणाम कीजिए। अब पुनः सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। हनुमान जी, आप मेरे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं क्या? सूर्य देव को प्रणाम कीजिए।
धरती माता की आशीष रूपी मिट्टी अपने मस्तक पर मलिए। अब आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना सीख गए हैं, बस अब आपको कुछ दाव ही सीखने हैं। उस दुष्ट लवनासुर को परास्त करने के लिए इतना पर्याप्त है शत्रुघ्न भैया? हाँ हनुमान जी, आज हम उस दुष्ट को गिरा कर ही रहेंगे। ये जल लीजिए शत्रुघ्न भैया। इस जल में आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ हनुमान जी, मुझे लवनासुर के शूल का प्रतिबिंब दिखाई दिया। इस शूल को लेकर हमें अनेक संकेत प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम महाराज दशरथ ने सावधान किया, आज भी वो असुर जीवित है अपने दिव्य शूल के बल पर, अपने छल के बल पर। और अब आपने स्वयं इसका प्रतिबिंब देखा। इसका तो मात्र एक ही अर्थ है, आज रात्रि लवनासुर आप पर भी अपने शूल का वार करने वाला है। मुझे इस शूल का कोई उपाय करना होगा। आप उचित कह रहे हैं। मलयुद्ध में यदि मैं उसे पछाड़ने लगा तो मुझे विश्वास है कि वो अपने शूल का प्रहार मुझ पर अवश्य करेगा, जैसे उसने महाराज मंदाता पर किया था। उसे शूल का प्रयोग करने से मैं रोकूंगा। किंतु कैसे? वो तो अपने दिव्य शूल को मंदिर में छिपा कर रखता है और उसके सिवाय उस शूल को कोई उठा भी नहीं सकता। मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लूंगा, किंतु उस असुर को आज रात्रि के युद्ध में उस दिव्य शूल का उपयोग कदापि नहीं करने दूंगा। ये लवनासुर कहीं मुझे देख ना ले, मैं मंदिर के घंटे में छिप जाता हूं। के लिए लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। ये मंदिर का घंटा क्यों नहीं बज रहा? ओह, तो पुरोहित जी यहीं उपस्थित हैं, ध्यान मग्न है। महाराज
महाराज लवनासुर, आइए महाराज। महादेव का दिव्य शूल, हाँ, मुझे त्रिलोक विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज, आपका राजपुरोहित होने के नाते मेरा सुझाव है कि आज रात्रि के युद्ध में आप अपना शूल अवश्य ले जाएं, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि आज आपको इसकी आवश्यकता होगी। राजपुरोहित जी, आपने तो मेरा कार्य और कठिन कर दिया। अर्थात इसके उपयोग का पुनः समय आ गया है राजपुरोहित जी, तो विधि अनुसार इसके अभिषेक के लिए मैं जल ले आता हूँ, जिससे ये शूल मेरे द्वारा इसे उठाने की अनुमति दे दे। मैं क्या करूं, अब कैसे रोकूं इसे? आज तो शिव चौदस है, अब तो भोले बाबा ही पार लगाएंगे, किंतु कहीं ये अनुचित तो ना होगा? कभी कभी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए छोटी छोटी भूलों की अपेक्षा करनी पड़ती है। इन राजपुरोहित जी के कारण ही कार्य कठिनाई उत्पन्न हुई है, तो अब इनकी ही सहायता से वो दूर भी होगी। श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम नाम के प्रभाव से तो राजपुरोहित जी गहरे ध्यान में चले गए। अब मैं अपनी युक्ति लगाता हूं। प्रतीत हो रहा है लवनासुर आ गया, शीघ्र ही कुछ करना होगा मुझे। ठहरिए राजन, आज आपका इस शूल को अपने साथ ले जाना सर्वथा अनुचित होगा। राजपुरोहित जी, आपने तो बात ही उलट कर दी। क्या हो गया है आपको? कुछ समय पूर्व ही तो आपने कहा था कि आज के युद्ध के लिए इस शूल को ले जाना उचित होगा, किंतु अब आप कह रहे हैं अनुचित है, क्यों? क्योंकि मुझे अभी अभी स्मरण हुआ कि आज शिव चौदस है। यदि आज की रात्रि किसी भी शिव अस्त्र का प्रयोग किया जाए तो वो शक्तिहीन हो जाएगा, किंतु यदि आज आप इस शिव अस्त्र को इस शिवलिंग की छत्र छाया में छोड़ देंगे तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। किंतु उस महाबलशाली योद्धा के लिए जिसकी प्रशंसा चारों दिशाओं में गूंज रही है, यदि आज आप इस शूल को ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, क्योंकि अपनी रक्षा तो सर्वोपरि है ना राजन। ना तो वो शक्तिशाली है ना बलशाली है, उस दुर्बल योद्धा से मुझे युद्ध करने के लिए इस शूल की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं लवनासुर पंडित जी को देख न ले। अपने स्थान पर स्थिर रहिए राजन, तनिक भी मत हिलिए। मेरा कहने का अर्थ है कि इस शूल को कल के सूर्योदय के पूर्व तनिक भी हिलाया तो ये शक्तिशाली बनने के स्थान पर ये शक्तिहीन हो जाएगा। उचित है ये। मुझे त्रिलोक विजेता बनने के लिए इस शूल की शक्ति में और वृद्धि चाहिए, और वृद्धि।
रही बात उस रघुवंशी की, तो उसे तो मैं अपने इन हाथों से मसल दूंगा, इन हाथों से। तब विलंब मत कीजिए राजन, सूर्यास्त हो रहा है, शीघ्र जाइए, अन्यथा कहीं वो महाबलशाली शूरवीर सूर्यवंशी रघुवंशी ये ना समझ बैठे कि आप उससे डर गए। उसे बलशाली तो ऐसे बुला रहे हैं पुरोहित जी, जैसे ये मेरे नहीं उस रघुवंशी के पुरोहित हों। अभी ज्ञात हो जाएगा कि कौन बलशाली है और कौन बलहीन। अब कल सूर्योदय तक तो मैंने इसे इसके शूल से दूर कर दिया है, बस अब शत्रुघ्न भैया इसे आज के युद्ध में पराजित कर दें। तुम्हारा अंत कर मैं शीघ्र ही अपने पूर्वज महाराज मानधाता की आत्मा को मुक्ति एवं शांति दिलाऊंगा। सावधान मानर, यदि आज तुम इसकी सहायता करते हुए पाए गए तो मैं सारे नियम भूलकर तुम्हारे नेत्रों के समक्ष क्षण भर में इसका वध कर दूंगा। और रघुवंशी, यदि आज तू मेरा एक भी वार सह पाया तो उसे अपना सौभाग्य समझना। तो तुम भी सुन लो राक्षस, आज यदि मेरा एक भी वार व्यर्थ गया तो मैं उसी क्षण अपनी पराजय स्वीकार करके तुम्हारे समक्ष अपने घुटने टेक दूंगा। हनुमान ने जो भी प्रभु परशुराम से सीखा वो तो शत्रुघ्न को सिखा दिया, अब शत्रुघ्न को सफलता पूर्वक उस सीख का प्रयोग करना है। रघुवंशी, मल्ल युद्ध में निपुण योद्धाओं के समान मुद्रा लेने से कुछ नहीं होता है, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध कला भी आनी चाहिए। महाराज लवनासुर की जय, असुर सम्राट लवनासुर की जय, असुर सम्राट लवनासुर की जय, अपराजय लवनासुर की जय, अपराजय लवनासुर की जय। संभव, उठिए महाराज, अंत कर दीजिए इसका, उठिए महाराज, दंडित कीजिए इस रघुवंशी को। ये कैसे संभव है? देखा असुर, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, फिर भी तुम चित पड़े हो। एक ही दिन में इतना पारंगत कैसे हो गया? ये धर्म की शक्ति है लवनासुर, जो अधर्म का विनाश करने के लिए एक ही दिन में इतनी सशक्त हो उठी है। किंतु ये शक्ति मेरे समक्ष अधिक देर तक टिक नहीं पाएगी रघुवंशी। करो सामना।
बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें धूल चटाता हूं रघुवंशी। इस प्रकार किसी भी वस्तु को शस्त्र बनाकर पीछे से प्रहार करना तो युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। लवनासुर, तुमने युद्ध के सर्वोच्च नियम का उल्लंघन किया है। वानर, अपने नियमों का अनर्गल प्रलाप वहां करो जहां उनकी मान्यता हो। अब इस आहत अवस्था में शत्रुघ्न भैया युद्ध कैसे करेंगे? इस असुर की विजय तो संसार के लिए महासंकट होगी। ये असुर सर्वत्र विनाश करेगा। मैं इस राम काज में कैसे असफल हो सकता हूं? शत्रुघ्न, अश्व जब नाकारा हो जाता है तो उसकी मृत्यु ही उचित है। इसका प्रहार तो शत्रुघ्न भैया के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। वानर! एक आहत योद्धा से युद्ध शौर्य नहीं कहलाता लवनासुर। वानर, ये इसी युद्ध में आहत हुआ है और मृत्यु आहत होने के पश्चात ही आती है। लवनासुर, कपट कभी भी विजयी नहीं हो सकता। तुम्हारे असुर सैनिक भी तुम्हें देख रहे हैं। उन्हें भी ज्ञात हो गया कि तुम बल से नहीं छल से विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो। युद्ध की ही इच्छा है तुम्हें, इतना साहस है तुम्हें, तो आओ मुझसे युद्ध क्यों नहीं करते तुम? युद्ध और तुमसे, मैं एक राजा हूं, राजा, और राजा राज परिवार के योद्धाओं से ही युद्ध करता है, किसी सेवक से नहीं। सावधान राक्षस, सावधान। अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलो, कहीं ये शब्द तुम्हारे जीवन के अंतिम शब्द ना बन जाएं। जिन्हें तुम सेवक कह रहे हो वे किष्किंधा के युवराज हैं, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, वो उनके जीवन का अभिन्न अंग हैं, वो जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम के लिए अपना राजपाट, अपना परिवार, अपना सर्वस्व त्याग दिया, सब कुछ न्योछावर कर दिया, जो राम काज को पूर्ण करने के लिए सदैव सहायक बनकर हमारे साथ रहते हैं, उनको कम आंकने की भूल न कर बैठना। जाने दीजिए शत्रुघ्न भैया, जिसके साहस ने ही उसका साथ छोड़ दिया हो उसे और भयाक्रांत क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं राजन, यदि आपको मुझसे भय है तो आप ऐसा कह दीजिए, मैं भी भयभीत योद्धा से युद्ध नहीं करता, मुझे युद्ध का आनंद ही नहीं आता। भय मेरा दूसरा नाम है,
मैं किसी से भयभीत नहीं होता हूं। वानर, ले जाओ अपने इस आहत राजा को, और तुम आ जाओ और दिखाओ अपने दांव। फिर मैं तुम्हें भय से परिचित करवाता हूं। लक्ष्मण, मुझे चिंता हो रही है। शत्रुघ्न का कोई समाचार आया क्या? कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? चिंता किस बात की भैया? जब शत्रुघ्न के साथ संकट मोचन महाबली हनुमान है, तो उस पर छाया कोई भी संकट कहां टिक सकेगा? आओ वानर, देखते हैं तुम में कितना है सामर्थ्य जो मेरे समक्ष टिक पाओ। आओ। इस वानर से सावधानी पूर्वक युद्ध करना होगा। तुम्हारे पांव और भुजाओं की गति देखकर मैं तुम्हारा अगला दाव समझ गया हूं असुर। अरे, इस धूर्त वानर ने तो मेरा दाव ही विफल कर दिया। अब क्या करूं? अब जो करूंगा मैं करूंगा। ऐसे तो ये वानर मुझे पराजित कर देगा। मुझे कोई उपाय कर इसका बल छिड़ करना होगा। ये वानर तो अति बलिष्ठ है। किंतु मैं भी लवनासुर हूं। लवनासुर! और कोई उपाय नहीं है। इस पर तो मुझे अपने दिव्य शूल का ही प्रयोग करना होगा, किंतु उसे तो मैं अभी उठा नहीं सकता। सूर्योदय तक इस वानर को उलझा कर रखना होगा। क्या हुआ राजन? इस राम भक्त से युद्ध करने पर आपका साहस छिन्न भिन्न हो गया क्या? कहीं आपका मनोबल तो नहीं टूट गया? वानर, जीवन में प्रथम बार कोई योद्धा मेरे समक्ष आया है जो सामर्थ्य में मेरे समकक्ष है। तुम्हारी मल्लयुद्ध की निपुणता से मैं प्रभावित हूं वानर, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे अभी तक हम क्रीड़ा कर रहे थे, युद्ध नहीं, किंतु अब युद्ध होगा। युद्ध!
अरे वानर, वार कर रहे हो या परिहास? सूर्योदय होने वाला है, अर्थात इसका अंत अब समीप है। आक्रमण! हाँ हाँ, हम मिटा देंगे इन्हें। असुरों की जय होगी। असुर सम्राट भवनासुर की जय। सैनिकों, आक्रमण! आक्रमण! ये कहां गया? तो वो दुष्ट अवश्य अपना शूल लेने गया होगा। हनुमान जी, आप शीघ्र जाइए, उस दुष्ट को उसका शूल ना उठाने दीजिए। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने खरदूषण की सेना का सामना किया था, उसी प्रकार मैं भी इन दुष्ट को निपटा दूंगा। लवनासुर कहीं शूल न उठा ले। अब देखता हूं उस राम का भ्राता और उसका वो भक्त कैसे बचते हैं मुझसे। दुर्दशा कर दूंगा उनकी। हर हर महादेव। अब भोलेनाथ का वो पवित्र शूल तुम्हारे अपवित्र हाथों में कभी नहीं आएगा, दुष्ट असुर। मुझे वो शूल चाहिए, किसी भी अवस्था में मुझे वो शूल चाहिए। नहीं लवनासुर, बहुत हुए तुम्हारे अधर्म कर्म। अब ये राम भक्त हनुमान तुम्हें शूल तक नहीं पहुंचने देगा। नहीं, मुझे ये दिव्य शूल चाहिए, किसी भी अवस्था में मुझे चाहिए ये दिव्य शूल। मुझे 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 उस तक पहुंचना ही होगा। जिस प्रकार तुम कुछ भी करके उस शूल तक पहुंचना चाहते हो, उसी प्रकार मैं ये राम कार्य अभी इसी पल संपन्न करना चाहता हूं। Thank you.
शत्रुघ्न भैया, मैं रघुकुल के इस अपराधी को पुनः आपके समक्ष ले आया। अब आप प्रभु श्री राम के दिए हुए दिव्य बाण से इस महापापी का अंत कर संसार को इसके अत्याचारों से मुक्त कीजिए। रघुवंशी, तेरे इस तुच्छ बाण से मेरा कुछ हित नहीं हो पाएगा, अपितु मैं तुम दोनों का संहार करूंगा, संहार। प्रतीत होता है हमारे पूर्वज प्रसन्न हो रहे हैं, ये तो अत्यंत शुभ संकेत है। लवनासुर के वध के पश्चात अपने स्वामी की मृत्यु उपरांत ये दिव्य शूल मंदिर से बाहर क्यों आ गया? क्या ये शूल बिना योद्धा के ही इतनी तीव्र गति से हम पर प्रहार करने के लिए हमारी ओर बढ़ रहा है? अब इस दिव्य शूल से अपनी रक्षा कैसे करें हम? हनुमान जी, ये दिव्य शूल तो आहत कर देगा हम दोनों को। हे भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय। प्रणाम भोले बाबा। ओम नमः शिवाय। मुझे ज्ञात था कि मेरे भोले बाबा के रहते ये अधर्म नहीं हो सकता। आपको धन्यवाद प्रभु। हनुमान, धन्यवाद के पात्र तो तुम दोनों हो। तुम दोनों ने एक अधर्मी के हाथों से मुक्ति दिलाई मेरे दिव्य शूल को। वो पापी तो मेरे दिव्य शूल का दुरुपयोग ही कर रहा था। प्रणाम यमदेव। प्रणाम यमदेव। इसकी मृत्यु से ही दिव्य शूल की मुक्ति संभव थी। प्रभु, ये जो भी हुआ प्रभु श्री राम के प्रताप से ही हुआ, जो हम आपके दिव्य शूल की मुक्ति का कारण बने। हम तो मात्र प्रभु के कार्य को ही पूर्ण कर रहे थे। अंततः हमारे पूर्वज महाराज मानधाता जी को स्वर्ग की प्राप्ति हो ही गई। हनुमान ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। यही नहीं, शत्रुघ्न की सहायता करके उन्होंने रघुकुल की आन की रक्षा भी की। रघुकुल की
आन की रक्षा ही नहीं की तुम दोनों ने, राम राज्य पर मंडराते हुए संकट को दूर किया है तुमने। संसार को अधर्म की परतंत्रता में नष्ट होने से बचाया है तुमने। हनुमान, तुमने शत्रुघ्न को मलयुद्ध के कौशल सिखाकर संसार के समक्ष मलयुग की उपयोगिता समक्ष की है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, अब से मलयुद्ध की विद्या तुम्हारे नाम से जुड़कर ही जानी जाएगी। जिस अखाड़े में तुम्हारी पूजा होगी उसी अखाड़े के योद्धा मलयुद्ध की विद्या में परांगत हो पाएंगे। आपकी कृपा के लिए आपको शत शत नमन भोले बाबा। व्यक्ति को शक्ति का प्रयोग जन कल्याण के लिए करना चाहिए, अन्यथा शक्ति का दुरुपयोग स्वयं के लिए भी घातक हो सकता है।